कक्षा 9वीं 10वीं गणित और कक्षा 12वीं कृषि संकाय में प्रश्न पूछा जाता है। विषय गणित अध्याय 16 क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है ये। ध्यान से देखिए, यदि साइन ए बराबर इसे 5/13 तथा कास बी बराबर इसे 4/5 हो तो कास ए प्लस बी के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए तो दिया है उसकी सहायता से कास ए, कास बी दिया है उसकी सहायता से साइन बी को निकालेंगे। तो हम निकालते हैं क्या, हमारे पास क्या दिया, तो हमारे पास दिया साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, 5/13। और हम जानते हैं किसको, कास ए को। हम साइन ए की सहायता से कास ए को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है 1 - sin²। कहने का मतलब, जैसे ही यहाँ पर हम 1 - sin² मीन्स 5/13 का स्क्वेयर यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो आपको किसकी, कास ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इसकी सहायता से जो कास ए आएगा, ध्यान दीजिए, ये होगा 5×5 13 × 13 में गुणा 169, तो 25/169। 169 में से 25 को यदि घटा दे तो ये वैल्यू हो जाएगी 144/169। दोनों का स्क्वायर रूट बनता है 12/13 के रूप में। जैसे इसे निकाला, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम कास बी को भी निकाल सकते हैं, तथा कास बी की सहायता से साइन बी को। कास बी हमारे पास है कितना, 4/5। हम जानते हैं इसकी सहायता से हम साइन बी को निकाल सकते हैं। साइन बी क्या होगा, 1 - cos²b। यह होगा 1 - cos²b मीन्स 4/5² तो इसकी सहायता से साइन बी कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमको, साइन बी इक्वल टू 1 - 4² 16, 5² 25। 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9/25, 9 का वर्गमूल 3 वैल्यू होगी 3/5। साइन ए की सहायता से कास ए को निकाल लिया, कास बी की सहायता से साइन बी को निकाल लिया। अब हम सीधे फार्मूला रखेंगे और फार्मूले में मान को प्रतिस्थापित करेंगे। फार्मूला हमारे पास है, क्या दिया है, कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी की वैल्यू को ज्ञात करना है, मीन्स कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ इनकी वैल्यू को रखते हम, कास ए कास बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है, कास ए मतलब 12/13, कास बी मतलब 4/5। तो यहाँ कास ए की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 12/13। कास बी की वैल्यू को 4/5 धन ऋण, सॉरी यहाँ ऋण है। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 5/13 इंटू साइन बी की वैल्यू है 3/5। ये कट जाता है, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि 13×5 = 65, 13×5 = 65 दोनों के हर एक जैसे बना लेते हैं हम। यहाँ पर अब हम क्या, 12 का जब 4 में गुना करेंगे तो मान आएगा 12×48, 13×5 में गुना करेंगे 13×5 = 65, 5×3 में गुना 5×3 = 15/65। दोनों के एलसीएम बिल्कुल समान है, तो एलसीएम में एक जैसे लेंगे तो दोनों के हर समान है, इसलिए एलसीएम हमारे पास 65 आ जाएगा। अंश 48 ऋण 15, 48 में से 15 को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं,
तो हमको मिल जाएगी इसकी वैल्यू कितनी, 33/65। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।